डेली न्यूज 360.com की ओर से पेश है नॉर्थ ईस्ट की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार पर एनआरसी के पहले मसौदे में बंगालियों के नाम हटाकर उन्हें असम से बाहर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि लोग असम में काम करने गए हैं, एनआरसी के नाम पर वे उन्हें खदेड़ रहे हैं। मैं केंद्र की भाजपा सरकार को आग से नहीं खेलने की चेतावनी देती हूं, उसे बांटो और राज करो की नीति पर नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये करीब 1.80 करोड़ लोगों को राज्य से खदेड़ने की केंद्र सरकार की साजिश है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के लोग रोजी रोटी के लिए जाते हैं तो उनका हक है, तथा धीरे धीरे वे वहां बस जाते हैं, जैसे कि अन्य राज्यों के लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और ठहरे हुए हैं।